एजुकेशन सिस्टम में एक टॉपिक होता है रैंडम वेरिएबल्स एंड नॉइस। इसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी से ही या तो डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और कुछ कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो हम इसे याद कर लेते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं, ओके। फर्स्ट है थर्मल नॉइज वोल्टेज। थर्मल नॉइज वोल्टेज का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है अंडर रूट 4KTBR, जिसमें के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर, बी होता है बैंडविड्थ, और आर होता है इक्विवेलेंट नॉइज टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास फ्लिकर नॉइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स जो फ्लिकर नॉइज होगी वो ज़्यादा होगी कहाँ? कम नॉइज पे, ओके। थर्ड पॉइंट है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाइट नॉइज इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है वाइट नॉइज की, वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है और कांस्टेंट होती है, ठीक है। उसकी जो वैल्यू होती है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की, वो क्या होती है? N0/2, ओके। अब एक फॉर्मूला होता है नॉइस फिगर का। जब हम दो एम्पलीफायर को कैस्केड फॉर्म में कनेक्ट करते हैं तो उसका नॉइस फिगर, ओवरऑल नॉइस फिगर को हमको पूछा जाता है, ठीक है। तो जो ओवरऑल नॉइस फिगर होता है वो होता है F1 नॉइस फिगर ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर प्लस F2 नॉइस फिगर ऑफ सेकेंड एम्पलीफायर माइनस 1/G1। G1 इज द गेन ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ओके, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑटो कोरिलेशन ऑफ वाइट नॉइस इज अ डेल्टा फंक्शन, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन किसी भी वाइट नॉइस का क्या होगा? डेल्टा फंक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन पल्स इज गॉसियन। जब हम गॉसियन पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? हमेशा गॉसियन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पावर डेंसिटी फंक्शन ऑफ एनवलप ऑफ नैरो बैंड नॉइस इज हमेशा क्या होगी? वो रिले की टाइप में होगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट नॉइस गेन्स इंपॉर्टेंस एट हाई फ्रिक्वेंसी। ऐसी कौन सी नॉइज है जो हाई फ्रिक्वेंसी पे इंपॉर्टेंस गेन करती है? वो होती है ट्रांजिट टाइम नॉइस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट नॉइस जनरेटेड इन रजिस्टर। नॉइज जनरेटेड इन रजिस्टर कौन सा होता है? कौन से टाइप की नॉइज होती है? थर्मल नॉइज होती है, ओके। नॉइज एट आउटपुट ऑफ फिल्टर। आउटपुट ऑफ फिल्टर में कौन से टाइप की नॉइज होती है? नैरो बैंड नॉइज होती है। तो ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिए, और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा जरूर बनता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और IES, GATE, ISRO और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिए। थैंक यू।